गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे हैं। और भैया हम अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि रात को हमें 6 बज गए थे सोते सोते, और कमरे में अभी भी शोर आ रहा है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। छोरा हरियाणा का सारे पानी, और ये पानी आ रहा है एसी से। तो ये कपड़ा मैंने लगाया क्योंकि ना पानी यहाँ से टपक रहा था, बाद में ये कपड़ा लगाने बाद इसमें ऑजॉव होके आया पानी, जिससे आवाज़ नहीं आई और जिससे मैं थोड़ी देर सो पाया। तो मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके घर में गेस्ट रूम होना चाहिए, कि जब इंसान 300 किलोमीटर ट्रैवल करके आए तो वो आराम से आते ही सो जाए, कंफर्टेबल घर का खाना, घर का बेड। जैसे कि मेरी सासू माँ, वो तो आराम से सो जाते हैं, उनके कुत्ते हैं वो भी अपना आराम से सो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में 3 रूम है। एक रूम तो बिल्कुल सड़ा हुआ है, मतलब वो उसका कभी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता काम करवाएंगे। दूसरे रूम में कुत्ते वुत्ते घूमते रहते हैं। इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि एक इंसान 400 किलोमीटर से चल के आया है, फिर हॉस्पिटल में गया है, मतलब घर पे आके चाय पानी पी ले, आके आराम कर ले, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं। और मैं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ। मैं पूरी रात गोलू को यही बोलता रहा कि यार तेरी माँ को इतनी अकल तो होनी चाहिए, इंसान 400 किलोमीटर से आता है और आके आराम कर ले। जैसे कि हमारे घर कोई भी आता है, दिल्ली से 300 रुपये की टिकट ली, सीधा चंडीगढ़, और फिर उसके बाद उसको कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी फैसिलिटी उसको पूरी घर में मिल जाती है। और हम पूरी रात कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कज़न हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, पर मैं उनको तंग नहीं करना चाहता। जब आपके रिश्तेदार आपके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप अपने दोस्तों पर भी बोझ मत बनो। अब ये देखो, ये पूरा रूम पानी से भरा हुआ, फिर भी मैं और गोलू यहाँ सो रहे थे, रूम शुरू होते ही ख़त्म हो रहा है। ये देखो, ये LCD बंद नहीं हो रही थी, हमने यहाँ पे तकिए लगाए। गाइस आपको रूम दिख रहा होगा, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। बाथरूम ये है, मतलब थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए अपने रिश्तेदारों को। मतलब मुंह उठा के बुला तो लेते हैं कि आ जाओ, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मतलब रहने तक का तुम इंतज़ाम नहीं करते सामने वाले के लिए, शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाओ। आप क्या कहना चाहोगे? सही बात है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि किसी का कोई कॉल भी नहीं आया कि होटल मिल गया नहीं मिल गया। इतना सफ़र कर रहे हैं, सुबह 6 बजे सोए हैं और लगा लो 9, 9:30 बजे ना यहाँ पे ड्रिल मशीन की आवाज़ें आ गई थी, उससे उठ गए थे। शक्ल ही बता रही होगी कितना सोए हैं। ऐसे मतलबी रिश्तेदार हैं ना मेरे, सारे रिश्तेदार जितने भी हैं सब मतलबी हैं। आज की जो ये वीडियो है ना, स्पेशली जो मेरे मतलबी रिश्तेदार हैं उनके लिए हैं। तो थोड़ी सी तमीज सीख लो, जब कोई इंसान तुम्हारे घर आता है ना, तो तुम्हारे घर इतनी जगह हो, उसको फैसिलिटी नहीं चाहिए, इतनी जगह हो कि वो आके आराम कर सके, बस ये बोलना चाहता हूँ। बाकी गोलू कुछ बोलना चाहती है तो बता दे। मैं बस, हाँ मैं भी सेम यही बोलूँगी कि इतना हो सके कि हम रेस्ट कर सके, क्योंकि ट्रैवल करके 300 किलोमीटर आना आसान बात नहीं होती। हाँ, पीछे वाला बंदा भी नहीं सोता, ऐसा नहीं है कि उसके बाद होटल ढूंढे, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। बोलेंगे कुछ लोग मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेरी फैमिली इतनी तंग है ना, मतलब हम वहाँ से यहाँ तक आए, कुछ नहीं कि कहाँ सोओगे, कहाँ मर रहे हो, कहाँ खा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें। सीरियसली फाइनली उस होटल से निकल गए, इतना परेशान हुए रात को, चलो कोई बात नहीं, अब रात गई बात गई, अब हम जा रहे हैं कैमरा लेने के लिए। एक हमें सोनी का कैमरा लेना है, मुझे उसका नाम नहीं पता, इनको पता है, और उसके बाद हम जाएंगे लखन भैया के घर पे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए सोनी के शोरूम में, और हमारे भाई यहाँ पर, भाई से मिली। कैसे हैं आप? तो आज कुछ जबरदस्त चीज दिखाने वाले हो आप कैमरे में। हाँ बिल्कुल, सोनी का एक मॉडल आता है A7S3 जी, और 24mm जी मास्टर लेंस 1.4 अपर्चर के साथ। तो गाइस अभी क्वालिटी चेक की जा रही है लेंस की, आप भी बताना कैसा लग रहा है आपको, व्यू कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना। मैं दूसरा लेंस लगाता हूँ, ये 1.8 अपर्चर है ना, ये वाला जो लेंस है ना, ये है 1635, इसकी क्वालिटी भी मज़ेदार लग रही है। काफ़ी लोगों को जिनको नॉलेज नहीं उनको सेम लगेगा। ये वाला लेंस मैं घर से लेके आया था, ये यहाँ पे मुझे गिफ्ट मिला है, और जो मैं जिससे शूट कर रहा हूँ वो गोलू को गिफ्ट मिला है। गाइस बहुत ही मज़ेदार लेंस है दोनों ने, A7 III भी ले लिया है, तो अब हमारे पास 3 कैमरे हो गए सेम। तो गाइस आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग अपने न्यू लेंस के साथ, और सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है, पीछे ये ब्लर हो रही है। कोई बात नहीं, दिख तो रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा लेंस है, बहुत ही मज़ेदार लेंस है, बस अभी लेंस बाय कर लिया और अब निकल रहे लखनीत भैया के घर के लिए। तो गाइस ये रिमोट और लिया मैंने, जो कैमरे के नीचे लगेगा तो ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा, बार बार ऊपर से पुश नहीं करना पड़ेगा, ब्लूटूथ से अटैच है। पूरी पैकिंग डन है आप देख सकते हो, और साथ में हमने लिए हैं 2 कार्ड, और अब हमारे पास हो गए नियर अबाउट से 10 से 12 कार्ड हो गए, क्योंकि टीम बढ़ती जा रही है, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो भैया बहुत जिद करने के बाद हमें चाय पिलाई जा रही है यहाँ पे, थैंक यू सो मच सोनी। यहाँ पे नीरज भैया की चाय अभी मतलब की गिर गई है, और भैया बच गए हैं बाल बाल,
और चाय सीरियसली बहुत ही गर्म होती है, अगर हल्की सी भी लगती है तो छाला ऑन द स्पॉट पड़ता है। बोलू अभी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करो। अभी मैं गिरते गिरते बची, वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी थी ऐसी और मैंने हील पहनी हुई, दिखा दो तो कितनी बचते बचते गिरी हूँ। गिरते गिरते बची है। हाँ गिरते गिरते। तो गाइस अभी बज गए दोपहर के 2:30 और सीरियसली इतनी तेज गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग दिल्ली में नहीं दुबई में हैं। और ये है नोएडा का ट्रैफिक, बस 10 मिनट का रास्ता बचे हैं। तो गाइस अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, जो हमारे मामा जी है ना, जो यहाँ के डॉक्टर थे, इस हॉस्पिटल के बहुत ही समझदार डॉक्टर थे, तो उन्होंने पूरी बॉडी चेक की और देखा कि उनके हाथ पे ना एक निशान है, और जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि 110% इनको सांप ने काटा है, और जहाँ काटा हुआ है ना वहाँ पूरा इन्फेक्शन हो गया। और अगर जब इनसे पहले कभी भी इनको कोई बीमारी नहीं थी, ये अचानक से हुआ क्या क्या था ना कि रात को टॉयलेट गए थे और टॉयलेट गए और अचानक से वहीं बेहोश हो गए, उसके बाद उनकी आवाज़ भी नहीं निकली, फिर सीधा हॉस्पिटल में, अब तक उनकी आँख भी नहीं खुली। बाकी मामा जी की रिपोर्ट्स आएंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो मैं आप लोगों से पक्का शेयर करूंगी कि मसला क्या है, कि हो क्या रहा है उनको, कि उनको सांस क्यों नहीं आ रहा। हेलो गाइस, तो हम पहुंच गए वहां पे जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। साथ उनको की पुलिस आ गया मेरे पीछे भी, पाजी हमारे बड़े भाई हैं लखमीत भाई। पाजी ये तो देखो क्या कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, शादी में थोड़ी आए होंगे, शादी में आए हम, शादी में आए अभी से, हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, शादी में होगी तभी लेंगे। शादी परी तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, ये तो बात है, ये तो हमें पता है, सबको पता है। अरमन भाई, हाँ जी, मैं मोटा हूँ क्या? आज इस सवाल का जवाब सच सच बता रहा, स्लिम ड्रीम हूं, मतलब ये गॉड गिफ्ट है, इतना रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। भैया ये देखो, पेट अंदर मत करो, पेट अंदर मत करो। अरे नहीं यार, ये पेट है क्या? कुछ नहीं है। अरमन भाई फिर तो बिल्कुल सुख कर हो जाओ, फिर वो नहीं होता जो बिना जैकेट पहन के घूमते हैं। ये बात 1 करोड़ रुपए की बोली भाई। होते हैं कई लोग, क्या होते हैं ना, गर्मियों में भी जैकेट पहन के घूमते हैं, घूमना पड़ता है ना बॉडी के चक्कर में। कुछ थे पहले पुराने टिकटॉकर। तो गाइस किस्मत वाले होते हैं जिनको घर का खाना नसीब होता है, और हमारे भाई किस्मत वाले। मैं भी किस्मत वालों के, मुझे बना करके। तो ये बनाता कौन है पाजी? देखो ये बनाती है मेरे लिए खाने को, मुझे सिर्फ इसके हाथ का खाया जाता है। ये झूठ है सच है? सच है, मैंने इसी के लिए खाना बनाना सीखा। पाजी से सीखा भी अभी है मेरे ख्याल से, इसको 4-5 महीने हुए सीखे हुए। तो भैया हमने सिखाया था गोलू को भी, गोलू को नहीं आता था बनाना, मुझे भी नहीं आता शायद से पहले, बाद में सीखा मैंने भी। अरे वाह वाह भाई, इस चीज में दोनों लकी हैं अपने, बहुत ज्यादा लकी हूं। तो भैया बहुत ही जबरदस्त रायता है, या चटनी है? नहीं ये रायता है, बीट रूट रायता। थोड़ा थक गया हूँ मैं, क्योंकि कल से ट्रैवल कर रहे हैं, और लखमीत भाई हमारे यहाँ बैठे हैं। सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेते और उसके बाद फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना? 20 मिनट का ब्रेक। ये है शीरो। शीरो स्कूल से आए हो, कहाँ से आए हो अभी? तो भाई हमारे सामने है मम्मी पापा, आप देखो बताने की जरूरत तो है नहीं, रोज आप देखते हो सोशल मीडिया छोटा सा, तो बहुत अच्छा लगा मम्मी से। मम्मी कुछ हमारे लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं तो बेटा यही चाहती हूँ कि जो भी मतलब सब लोग आप वीडियो बनाते हो, इतनी आप सुपर हिट जाएं, सुपर से भी ऊपर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये आशीर्वाद है, और साथ में हमारे पापा जी बैठे हैं यहाँ पे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लाइफ में जो आप चाहते हैं उससे भी बहुत ज्यादा पाए, जितना चाहते हैं उससे ज्यादा पाए आपको। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहे, सब अच्छा रहे, और जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपके फैमिलीज के लोग हैं, और जो भी आपके समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, आपको ऐसे ही प्यार दे और ज्यादा प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच पापा। ऐसा लगता है क्या ना कि हम रोज वीडियो देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है नहीं है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, तो रिलेट हो जाता है वीडियो देखते हैं ना लखन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में हमारे भाई भी बैठे हैं, करण भाई। तो करण भाई थोड़े शांत रहते हैं, मुझे लगता है ऐसा है। अभी बेचारे के लग गया, चोट लगी बेचारे के, बहुत तेज लगी। तो भाई एक जबरदस्त वीडियो बनाई है हमने फैमिली फिटनेस पर, जाके देखें, उसमें आपको हमारे भाई की एक्टिंग दिखेगी, हमारी मेरे तो छोटा सा पार्ट था, लेकिन इन तीनों ने क्या करा, और सबसे अच्छी चीज उसमें एडिटिंग। जो गाना आपने देखा जो 30 तारीख को आने वाला है, जेन्युइन रिव्यू, बहुत अच्छा पायल दिया, एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत मतलब अच्छे से रो रही थी, अच्छे से रो रही थी, सबकी एक्टिंग अच्छी थी, पायल दीदी ज्यादा अच्छी लगी सबसे, मतलब वो रो अच्छा रही थी, दीदी तो दिखी नहीं ज्यादा, कृतिका दीदी नहीं दिखी। भाई मम्मी जा रही है अभी घर, क्योंकि इनकी टाइमिंग है जब हम बचपन में 9 बजे सो जाते थे, ये अब तक मतलब वो रूल फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत बच्चापन बैठा हुआ
जगने वाला नहीं बताया, बता भाई सुबह कितने बजे उठते हैं? ये उठ जाती है सुबह वही 9 बजे 10 बजे। बता अभी इसे ये भी टाइम नहीं पता भाई। मम्मी सुबह उठती है डेली 5:30 जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? आगे कार चलाने। और नीतू, तो यार नीतू गाड़ी चलाने वाले हैं और भाई बताएंगे भाई। भाई इसको नींद आ रही है। कल के ट्रैवल से ना बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। सोए यानी 7 बजे सोए और 8:30 बजे उठ गए और 8:30 बजे पापा जी आए थे, आप मिले लिए हैं। तो अभी नीचे जाते हैं, कुछ बाहर का खाएंगे और थोड़ा सा घूमेंगे। सोसाइटी दिखाता हूँ आपको कौन सी है ना, मुझे पता नहीं है। गाइस नीतू की एक कंप्लेंट है, नीतू बोल रही है कि मैं चलते चलते सो जाती हूँ, ऐसा कुछ गिर जाती हूँ। तो गाइस ये नीतू का कलेक्शन है, आप देख लो जूते का। बहुत चप्पलें हैं भाई, पर जी सेवा पानी में यूज होती हैं। अच्छा मतलब पड़ती है तुम्हें? हाँ। क्या बात, लाइन पे रखने के लिए। अच्छा नहीं ये सही लगा मुझे है? ये सही लगा, सही है। हाँ अच्छा लगा मुझे, इसका आइडिया अच्छा लगा मेरा आइडिया है। अगर अच्छा लगा तो मेरा आइडिया है। क्या कहना चाहोगे भाई? गाड़ी में सही सही बैठे हो ना, मतलब पूरे पूरे एंजॉयमेंट लिया ना गाड़ी। तो भैया नीतू गाड़ी चला रही है। नीतू बाय बच्चे, बाय बाय। हाँ ध्यान से जाना। तो नहीं भाई, भाई बोलो गोलू को ही बोलूंगा। अच्छा गाड़ी को कोई बात नहीं, अभी तो इंश्योरेंस है। नीतू चला के आई है गाड़ी। तो नीतू जी मैं ये चाहती हूँ कि आप 2-4 दिन के लिए कार यहीं पर रख दो। ले लो, मैं ले जाऊंगा कोई और नैनो वैनो। नहीं आप कैब से जाना, ओला करा दे सीधा। बहुत बढ़िया, चलो चलो तुम घूम जाओ फिर, हमें तो लेके नहीं गए तुम साथ। एक बार बैठ जाओ, आओ सारे आ जाओ। ठीक है, तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखें, सेफ रहें और जाते जाते भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बाजी।